मेरे घर आ रही हैं मेरी फ्रेंड्स। ईद का है तीसरा दिन। हम लोग हमेशा हर साल ईद के तीसरे दिन मिलते हैं और आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। वो स्पेशल क्या करने वाले हैं वो आपको देख के पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो ईद वाले जो फ्लावर्स थे उन्हीं को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर रही हूँ, उनका पानी वगैरह चेंज कर रही हूँ और उनकी स्टेम्स कट करके वापस उनको सेट कर रही हूँ ताकि टेबल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। क्या खिलाऊंगी, हम क्या करेंगे, क्या नया करने वाले हैं वो सब आप देखेंगे आज की व्लॉग में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा जी, अब सीन ये है कि क्योंकि ईद का तीसरा दिन है तो हाउस हेल्प्स तो नहीं आई हैं, ऑब्वियसली उनकी भी तो ईद है तो वो छुट्टियों पर हैं। तो सबसे पहले मैं सफाई करने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ खाने में क्या करना है क्योंकि लंच पे आ रही हैं फ्रेंड्स तो खाना भी तो पकाना है। मैंने अपनी दोनों फ्रेंड्स के लिए ईद गिफ्ट्स कस्टमाइज्ड बनवाए हैं और ये मैंने बनवाए हैं आर्डियोनिक क्राफ्टियर से। बहुत प्यारे लगे थे मुझे ये फ्रेंड्स। अ परफेक्ट गिफ्ट टू गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने चीज़ें निकाल के रखी थी कि मैं खाना बना लूँगी और ड्राइवर को कॉल पे कॉल करती रही, उसका फ़ोन नहीं मिला। आई गेस वो नहीं है शायद कराची में, कहीं बाहर गया हुआ है। ज़ाहिर उसकी भी ईद है जबकि उसने कहा था कि मुझे कल बुला लीजिएगा, बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ रीच आ रहा है। अब मैं चीज़ें वापस रख रही हूँ और फूड तो अब ऑर्डर करनी पड़ेगी बाहर से। लेट्स सी क्या ऑर्डर होता है। सुबह से उठ के कामों में लगी हुई थी लेकिन नाश्ता नहीं किया जा रहा अभी तक। रमज़ान वाला जो स्केड्यूल है ना वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, कुछ दिन लगेंगे। अब लगी है भूख और मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ फ्रेश फ्रूट्स ही खा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग एज अ ब्रेकफास्ट नाउ। बाकी अब फिर खाने ही खाएंगे इंशाल्लाह। साड़ी वेयर करने का प्लान है कि तीनों साड़ी वेयर करेंगे और हमने कुछ साड़ी वेयर करके कुछ कंटेंट क्रिएट करना है और मैं करूँगी अपनी फ्रेंड्स को प्रैंक। मैं हो गई हूँ रेडी लेकिन मैंने साड़ी नहीं वेयर की बल्कि मैं अपने पीजेज में ही हूँ। तो अब वो आएंगी और क्योंकि वो लेट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं, तो वो आएंगी आके फिर आप उनका रिएक्शन देखिएगा क्यों जब वो मुझे इस हाल में देखेंगी। फाइनली दोनों 2:30 बजे का टाइम दिया था और 4 बजे पहुँची हैं। आ जाइए मैडम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आमी में हो ये खुद तो तैयार नहीं है, हमारे ऊपर सारी इसने ईद मुबारक। अच्छा जी, लंच का मेन्यू था कंग पाओ चिकन चाउमीन, चिकन चाउमीन और चिकन मंचूरियन, साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस जो कि गोल्डन ड्रैगन से ऑर्डर किया था और टाइमली डिलीवर हो गया था। अच्छा गरम अच्छी क्वांटिटी थी। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन का। ओके सो हमारा फ़ोटोशूट कंप्लीट हो गया है और दोनों फ्रेंड्स मेरी जा चुकी हैं। अब मेरे भाई के घर है ईद डिनर, तो अब वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जल्दी जल्दी अब मैं दोबारा से कपड़े चेंज करूँगी, कपड़े फ्रेश करूँगी और बच्चों के कपड़े भी रेडी करूँगी, फिर हम वहाँ जाएँगे। तो चलिए मेरे साथ। कराची में आप ईद के मौके पर निकलें, आप ट्रैफिक जैम में ना फंसें, ऐसा कैसे हो सकता है। लिटरली 1 घंटा हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसे रहे और उसके बाद फिर हम 9 बजे के निकले 10 बजे हम पहुँचे हैं भाई के घर और सब बड़े शदीद जो है वो बोर हो चुके थे हमारा इंतज़ार कर करके। ज़बरदस्त खाओ से, यम यम, और कढ़ाई और बिरयानी, वाह, देख के ही मज़ा आ गया भाई। और जनाब 12 बजे हम अपने घर वापस लौटे हैं और ये कुकी साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे दरवाजे पे ही बैठे हुए। ये था ईद का तीसरा दिन, इस तरह से स्पेंड हुआ मसरूफ़ अपनों के साथ प्यारों के साथ। आपको कैसा लगा व्लॉग बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कॉमेंट ज़रूर करके बताइएगा मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।